बनाई है, उधर ये दुष्ट राक्षसी पुनः कीटाणु उत्सर्जित कर रही है। हनुमान जी, मेरी चिंता छोड़कर आप अन्य सबको इस महामारी के संसर्ग में आने से बचाइए, अन्यथा प्रभु श्री राम का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। प्रभु के कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम विश्राम करो, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आता हूं अंगद। जय श्री राम। विशुचिका, अब प्रभु की सेना के किसी भी सैनिक को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हारा कोई कौशल काम नहीं आने वाला भारत। तुम मेरे महामारी के कीटाणुओं को महामारी फैलाने से नहीं रोक सकते। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। राक्षसी हनुमान का कुछ हित नहीं कर सकती। अभी अपने अग्नि अस्त्र से इसे भस्म कर देता हूं। लक्ष्मण, हनुमान भली भांति संभाल लेंगे उस राक्षसी के वार को। कुछ ही क्षणों में गल जाएगी तुम्हारी देह मेरे भयानक निजी कीटाणुओं के वार से। जय श्री राम। ये कैसे हो गया? ब्रह्मदेव? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव।
हनुमान, मेरे श्वेत से उत्पन्न इस महामारी विशुचिका को समाप्त करके तुमने जगत पर बड़ा उपकार किया। किंतु परम पिता, मैं अभी तक अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। महामारी के कीटाणु जल में प्रवाहित होने के कारण अभी भी जल में उपस्थित हैं और युवराज अंगद सहित हमारी सेना के अनेक वानर अभी भी महामारी के कीटाणुओं से ग्रस्त होकर जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। हनुमान, तुमने विशुचिका को समाप्त करके इस महामारी को वायु के द्वारा वायुमंडल में फैलने से रोककर सीमित कर दिया। अब ये दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ही फैलेगी। किंतु परम पिता, मेरे साथी वानर योद्धाओं का क्या होगा? उन्हें इस महामारी से मरणांतक पीड़ा हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। बस इसके प्रयोग से तुम्हारे वानर योद्धा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी भी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूं कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्ण से स्वस्थ हो जाएगा। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परम पिता। कल्याणमस्तु। अंगद, तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर देता? परमपिता ब्रह्मदेव को पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान, हमारे सभी सैनिक स्वस्थ हो गए। हाँ हनुमान जी, आपके नाम का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। सब पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नील गवय, अब हमें अपने वानर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए सज्जित होने के लिए कहना होगा। नील अंगद, आओ प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। सबको संकट से उबार लिया संकट मोचन हनुमान। अंगद, अब तुम स्वस्थ हो ना? हाँ प्रभु, पूर्णतया स्वस्थ एवं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। आगे तो बढ़ना है हमें, किंतु तुम्हें एवं अन्य वानर वीरों को जो अभी अभी महामारी के प्रकोप से उभरे हैं, आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है।
हम सब अविलंब ये कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हैं। हाँ प्रभु, सभी वानर वीर शीघ्र अतिशीघ्र लंका की ओर कूच करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है हनुमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम, 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 दारत है वसुचिका। उसके लौटने में इतना विलंब, अर्थात विशुचिका भी विफल हो गई। जो भी हो रावण, अब ऐसी चाल चलो, ऐसी बाधा उत्पन्न करो जिसका कोई भी तोड़ ना हो, जिसे बेद कर कोई शत्रु भी आगे ना बढ़ सके। ये कार्य मेरा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर शारण अवश्य कर सकता है। पता है मुझे। मन का भेद उसके भेद जान लेता है शारण। प्रणाम लंकेश, मुझे सब पता है, शारण को सब पता है। पता है, पता है, क्या पता है तुम्हें? मुझे पता है लंकेश कि आप शारण का स्मरण कर रहे हैं। तब तो ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पता है, पता है, शारण को भली भांति सब पता है। बंद करो अपनी आंखें और बताओ क्या पता है तुम्हें, अन्यथा। यही पता है लंकेश कि विशुचिका के नहीं लौटने से आप चिंतित हैं, चाहते हैं कि मैं इसके कारण का पता लगाऊं। तब पता है तुम्हें तो ये भी पता ही होगा। कहो क्या हुआ उसे? ये तो नहीं पता महाराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए। शारण यूं गया और कब कहां कैसे हुआ, किसने किया, पता लगाकर यूं आता हूं मैं। और भी कुछ जानना है मुझे? पता है मुझे महाराज, पता है कि वो नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं, उनकी सेना कितनी विशाल है और वो कहां तक पहुंचे हैं, यही जानना चाहते हैं ना आप? मैं क्या चाहता हूं वो तुम्हें पता है, और अब जो तुम्हें पता नहीं उसका पता लगाने उस नर और उस वानर के निकट जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सावधान, रुक जाओ। क्या हुआ सेनापति नील जी? ये वन वृक्ष कैसी अद्भुत बाधा बनकर खड़े हैं। सतर्क रहो, मैं देखता हूं। एकजुट हो जाओ, मैं देखता हूं। उछालो। आश्चर्य है, ये अभेद्य सघन मन किसी मायावी माया का परिणाम है। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे।
चेतावनी का स्वर है। चेतावनी का स्वर और ये लाल तितलियां आगे किसी संकट का संकेत है। प्रभु, मुझे आगे जाकर देखने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये वृक्ष कोई साधारण वन वृक्ष नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या हुआ मित्र नील, किस संकट के आभास से रुक गए तुम? हनुमान, इन वृक्षों ने हमारा मार्ग रोक दिया है, परंतु ये शत्रु प्रतीत नहीं होते, अन्यथा इन्होंने हम पर अब तक आक्रमण कर दिया होता। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं।